क्या हुआ जब महाकाल मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ अश्वत्थामा, फिर जो हुआ सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अश्वत्थामा महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जो आज भी जीवित है और अपने मोक्ष के लिए दर दर भटक रहा है। वो कभी जंगलों में दिखाई देता है तो कभी पहाड़ पर, कभी नदी किनारे तो कभी शिव मंदिर में। जी हाँ, कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के परम भक्त हैं और भगवान शिव ने ही उसे अमरता का वरदान दिया था। लेकिन अश्वत्थामा की एक गलती के कारण उसे मिला अमरता का वरदान अभिशाप में बदल गया, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है और अपने मोक्ष के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा है। कहा जाता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य के घर अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उसने अश्व यानी कि घोड़े की तरह ध्वनि की। फिर आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। जन्म के साथ उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी जो सभी तरह की विपत्तियों से उसकी रक्षा करती थी। वो इसे माथे के केंद्र में रखता था। कहा जाता है कि ये एक ऐसा रत्न था जो न केवल उसे शक्ति देता था बल्कि उसे भूख, प्यास और थकान से बचाता था। महाभारत युद्ध में जब पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का छल से वध किया और जब ये बात अश्वत्थामा को मालूम हुई तो क्रोध में पागल होकर उसने पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से को तहस नहस कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसी समय पांडवों ने एक और छल करके उसके नारायण शस्त्र को बर्बाद कर दिया। इससे उसका गुस्सा और अधिक बढ़ गया और वो रात को पांडवों के पांडाल में गया जहां पांचों पांडव सो रहे थे, वहां आग लगा दी। हालांकि उस रात उस पांडाल में पांच लोग जरूर थे लेकिन वो पांडवों के पांच पुत्र थे, पांडव वहां नहीं थे। जिसके बाद पांडवों के पांचों पुत्र मारे गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वो अश्वत्थामा को नहीं छोड़ेगा। पांडवों ने उसे पकड़ लिया और उसके माथे पर लगी मणि को निकाल लिया जिससे अश्वत्थामा लहूलुहान हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि अब वो इसी स्थिति में अपनी जिंदगी गुजारेगा और सदियों तक भटकता रहेगा। वो अगर मरना भी चाहे तो मर नहीं सकेगा। कहा जाता है कि तब से ही अश्वत्थामा इसी खराब स्थिति में जिंदा ही वनों में भटक रहा है। अश्वत्थामा को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में कई बार वहां के स्थानीय निवासियों ने देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि इस किले में एक शिव मंदिर है जहां आज भी हर रात अश्वत्थामा आता है और पूजा करता है। कहा जाता है कि जब सुबह मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो शिवलिंग पर पहले से ही फूल और पानी चढ़ावा मिलता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे आज तक कोई भी नहीं देख पाया है। लेकिन मध्य प्रदेश का ही एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर है जहां अश्वत्थामा पूजा करते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जी हाँ, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अश्वत्थामा भगवान शिव का बड़ा ही भक्त है और वो अपनी मुक्ति के लिए भगवान शिव के हर मंदिर, चाहे वो जंगलों, पहाड़ों या शहरों में ही क्यों ना हो, दृश्य या अदृश्य रूप में जाने में सक्षम है। और यही कारण है कि अश्वत्थामा उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के मंदिर में भी अपने मोक्ष की अर्जी लगाने अदृश्य रूप में आया था। बात आज से कुछ समय पहले की है, तब ये खबर कई न्यूज़पेपर में छपी थी। दरअसल उस समय शिवरात्रि के कुछ समय पहले महाकाल मंदिर सीसीटीवी की फुटेज चेक करते लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने पट बंद होने के बाद रात्रि 2:45 की एक फुटेज देखी। इस फुटेज में मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक अदृश्य शक्ति रिकॉर्ड हो गई थी। ये फोटो उसी फुटेज का है जिसे आप देख रहे हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति बाबा महाकाल की पूजा कर रही है, जिसमें आप उस अदृश्य शक्ति की धोती, पैर और एक हाथ को साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं मंदिर की दीवार पर लगी घड़ी भी देख सकते हैं जिसमें आपको रात्रि 2:45 का समय दिखाई देगा। उस समय जिस किसी ने भी इस फुटेज को देखा उसके होश उड़ गए। तब कई लोगों ने इसे कोई भूत, प्रेत या फिर अदृश्य शक्ति बताया था। वहीं मंदिर के कुछ विद्वानों ने इस शक्ति को अश्वत्थामा बताया था, क्योंकि उनका मानना था कि कोई साधारण शक्ति बाबा के सामने ठहर नहीं सकती। ये तो वही हो सकता है जो उनका परम भक्त हो, जिसमें इतना साहस हो कि वो उनके पास जाकर उनकी पूजा कर सके। और ऐसी शक्ति और साहस शिवजी के परम भक्त और अष्ट चिरंजीवों में से एक अश्वत्थामा में ही हो सकती है, जो अदृश्य रूप में आकर बाबा महाकाल की पूजा कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सच में अश्वत्थामा ही था या कोई दूसरी अदृश्य शक्ति हो सकती है? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।